हर 5 साल बाद पंजाब दे विच सरकारा आउंदियां ने सरकारा जांदियां ने और ठीक इलेक्शन तो पहला क्योंकि खेती प्रधान पंजाब स्टेट आ किसानां नूं लैके वड्डियां वड्डियां गल्लां हुंदियां ने और इस बार आम आदमी पार्टी ने भी इलेक्शन दे विच इह वादा कीता सी कि जदों उहनां दी सरकार आ गई तां किसी भी किसान नूं खुदकुशी करन दी जरूरत नहीं पवेगी, हर किसान नूं उसदा बणदा मुआवजा मिलेगा और जिहड़ा किसान आ पंजाब दा उह खुश रहेगा। पर आलम इह है कि 1.5 महीना करीब सरकार नूं हो चुक्या और 15+ जिहड़ियां किसानां दीआं मौतां ने हो चुकियां ने। इस बार कणक दे झाड़ दी गल करिए तां कणक दा झाड़ जिहड़ा 20 तों 25 क्विंटल दे विच प्रति एकड़ निकलदा सी उह 10 तों 15 दे विच रहि गया और उहनां दे विचों वी कई दे उपर 10 तों भी थले चले गया। तो किसान तरा तरा कर रहे हैं और जिहड़े किसान ठेके ते लैके खेती करते जिन्होंने कर्जा लिया होया सी उन्हां दा इस बार जो हाल होया वो शब्दों के बयान नहीं हो सकता। फिगर्स की ने प्रोपर डिटेल की आ साडे नाल सीनियर जिहड़े किसान लीडर ने बलबीर सिंह राजेवाल ने उन्हां गलबात करांगे। राजेवाल साहब तुहाडे कोल पूरा तुसीं ब्रीफली देखदे इस चीज़ नूं की लगता की वजह की इस बार जिहड़ा इन्ना ज़्यादा झाड़ मर गया किन्ना कु नुकसान होया? देखो जी मौसम अनुकूल ना रहने कारण एडा वड्डा नुकसान होया और जदों कोई कुदरती आफत आउंदी किसे नूं दस के तां आउंदी नहीं और एक किसान दे वस नहीं उहदा तां सारा कुछ खेत च पिया हुंदा खुले अंबर पिया हुंदा विचारे दा और उहदा अफसोस यह है भी उहदा कोई कदर भी नहीं पाउंदे। गल्लां जरूर गलत उत्ते करदे ने ते इस वारी यही होया। पहलां तां मींह पए फिर हुण जदों फसल पक्कण ते आई एकदम इन्ना हाई टैंपरेचर हो गया जिहड़ा दाणा सी ओह माजू पै गया शिवल्ड ग्रेन हो गया और तुसीं हैरान होवोगे मैनूं तां कई वारी देख के चुणचनी छिड़दी आ वी की होएगा। मैनूं परसों मेरे किसी साथी ने फोन किया भी नाभे की मंडी च 3 किसान ट्रालियां खड़ियां छड्ड के घर नूं चले गए 4 क्विंटल पर एकड़ उहनां दा झाड़ निकलिया। वह कहिंदे साथे देखिया नहीं जांदा। मेरे बैठी एक किसान आया परसों चौथ एक मंडी च वह कहिंदे मेरी 15 किल्यां दे विचों ट्राली भर हुई है। वधिया अगां वधू किसान 15 किल्यां चों एक ट्राली भर हुई है और इहियां जिहियां कहानियां सुन के सगों मन खराब हुंदा है। ते अफसोस यह है भी साडे जिहड़े पोलीटिकल लीडरशिप है वह झूठ बोलण दे माहर ने गल्लां नूं टरकाउण दे माहर ने उहनां ते इहदा कोई असर नहीं लगता मैनूं ना तां सेंट्रल गवर्नमेंट ते ना पंजाब गवर्नमेंट ते। मैं परसों ही प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी उन्होंने कहा भी किसान थोड़ी इकोनमी का धुरा खेती है ते सब तो वध रुजगार देने वाला किता भी खेती है। अज खेती दे उते संकट है ते तुसी तुहानू याद होगा 10 कु दिन पहला एक खबर आई सी भी अंबानी दियां 3 कंपनियां ने 86,000 करोड़ रुपये का कर्जा दब लिया और उन्होंने NPA च पाता हुण उन्होंने खुरद बुरद करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 7 सालां च 42 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट हाउसेज नूं भारत सरकार NPA च पा के माफ कर चुकी है या उन्होंने अलग इंसेंटिव दे चुकी है। तो अफसोस इस गल का भी एड्डी वड्डी अमाउंट एक छोटे जे सैक्शन नूं जिहड़ा गिणती दे पोटियां ते गिणन वाले लोग ने कारपोरेट हाउसेज दे उन्हां नूं दे के ते जिहड़ी वड्डी गिणती किसान जिहड़ा देश लई ढिड भरन दा कम करदा है उहदे वास्ते सरकारां चुप्पे हो जांदियां ना उहनां कोल कोई पैसा रहिंदा ते ना उहनां नूं कोई हमदर्दी दे दो शब्द कहिण वास्ते भी समां हुंदा। तो अज इही स्थिति अज पैदा हुई है ना सेंट्रल सरकार कुछ कर रही है। मैं उहनां नूं लिखिया वी तुसीं आ इन्ना कुछ करदे हो किसान फस गया हुण बोनस नहीं क्योंकि बोनस दी कसीम है 500 तक चले जाएंगे बोनस नाल गुजारा नहीं होना। मैं उन्होंने कहा तुसी एक्सग्रेशिया ग्रांट दो 15,000 रुपए पर एकड़ उहदे नाल भी उहदा घर पूरा नहीं हुंदा 15,000 नाल जिहड़ी 50,000 रुपये की निकलनी सी कणक वह जे अज निकलती 8-9-10 हज़ार रुपये की है तो 15,000 नाल यह है भी थोड़ा जहा बेचारा सह आ जाएगा उन्होंने। तो मैं उन्होंने कहा सी 15,000 रुपये पर एकड़ एक्सग्रेशिया ग्रांट दो कोई चूं तक नहीं किसी ने की। पहले मैं ट्विटर से कहा फिर मैं चिट्ठी लिखी तो हुण पंजाब वाले ने जिहड़े बहुत दमगजे बजा के इत्थे राजसत्ता चाहे इन्हां दा हाल है कोई बोलण नूं तैयार नहीं। कल मैं एक चैनल ते सी एक MLA है कोई इन्हां दा रोड़ी रोड़ी कहिंदा है मैं जदों ये गल्लां करी जांदा मैनूं कहिंदा इहदी गल दी लोकां नूं नहीं समझ आई मेरी की समझ आउणी है। तो मैं उन्होंने कहा भी सरकार तेरी है मैं इहदा जवाब नहीं देना चाहुंदा मैं ते तो वड्डी उमर दा पर मैं रिक्वेस्ट करदा तुहानूं भी बचा लो किसान नूं जे तुहाडे कुछ हुंदा है जे कुछ करन जोगे हो। हुण तुसीं
अंदाजा लाओ हर रोज टीवी चैनलों से अखबारों में फुल पेज एड्स आ रही है। गुजरात च एड देने का की तुक है जी, कर्नाटक च की तुक है, हरियाणे च, हिमाचल च, जिथे पहला पोलिटिकल अख रखी हुई है, खजाने चो साडे चो जांदा पैसा, सारे टीवी चैनलों से एक भगवंत की तस्वीरें दिखाते ने। थोड़े कोल तो कुछ है नहीं, तुसी अरबा रुपया एड ते खर्च कर रहे हो, थोड़ा किसान फस गया मर गया ते ओदे लई तुसी मुंह नहीं खोलते, चुप करे बैठे हो, तो फिर किदां चलूगा काम? हाउ लॉन्ग? तो मैं इनू सारे नू स्टडी किया, 135 लाख टन सरकारी खरीद दा सी टारगेट, अगे भी इहदे आले दुआले ही हुंदा, 135 तो 2 लाख वध गया या घट गया इदां ही हुंदा है, ते कुछ प्राइवेट हो जांदी उह तो अलग है। ते इस बारी हुण ते ही असीं 83,48,654 टन कल शाम तक असी खरीदी है, अराइवल है, हाँ गवर्नमेंट परचेज है, नहीं 83,48,654 टन कल शाम तक सरकार ने, सरकारी एजेंसियों ने खरीदी है, बाकी कुछ 4 लाख टन प्राइवेट ने भी, वो हमेशा ही होंगे। तो इन्हों का टारगेट है 135 का, मैनू नहीं लगता हम कणक का खेतों कित दी नहीं, मैनू नहीं लगता 90 ते टप्पेगी, जे 90 भी हो जाए तो फिर 145 लाख टन तो फिर असी गुआ लिया ना, 45 लाख टन की जो कीमत कढ़ा मैं तो 9,67.5 करोड़ है, और ये जिहड़ा स्टेट का नुकसान हो गया रूरल डिवेलपमेंट फंड मार्केट फीस वह 54.3 करोड़ है, जिहड़ा आड़तियों के कोल जाण तों रुक गया 22.5 करोड़ है, टोटल 9,944.3 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। ये बाजार बचू पंजाब का, हर एक ने प्रभावित होना, ये किसान तो डुबिया वो बेचारा अनपढ़ है या पहला कर्जे च फसिया, मैनू अफसोस है, मैं तो उन्होंने भी अपील करता भी कोई हल नहीं, तुसी खुदकुशियां करदे, तुहाडे बच्चे रुल जांदे ने, कोई नहीं पिछों पुछदा, कोई तुहाडा हमदर्द नहीं, जो तुहानू ही अपने बच्चों का फिक्र है, जे तुसी चले गए किसी ने नहीं पुछना। तो इस करके ये गलती ना करो, ये जीवन जिहड़ा दोबारा नहीं मिलना, खुदकुशी ना करो और अपना इहनू फेस करो, कोई आफत नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जदों सत्ता में आ गए सी तां किसानी बहुत प्रफुल्लित होगी और किसान खुश होगा, किसी भी किसान को खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पवेगी, और 1.5 महीने में 10 या 15+ मौतें हो गई, किवें देखते हो, कितनी संजीदा दे नाल पंजाब सरकार देख रही है किसानों? मैनू तो यह भी नहीं लगता कोई रोडमैप है इन्होंने कोल किदां किसान की हालत सुधारनी है, ना ही किसी नाल बैठ के गल करन नूं तैयार ने, बुलाउंदे ने इहो जिहे बंदे नूं जिहड़े सो कार्ड कह गए बई असीं आ गए जी, मैं चीफ मिनिस्टर नूं मिलिया आ, चीफ मिनिस्टर दे अगे कोई रखो तो सही, ना चीफ मिनिस्टर नूं कुछ पता है, तो की करोगे? मैनूं तां लगदा नहीं भी कोई हल इहनां दे कोल हो सकेगा। वाहिगुरु मेहर रखे पंजाब ते, पंजाब नूं किते फेर इहदे विच मोहरी ना बनावे, जिवें पहलां हर गल विच पंजाब एजिटेशन च हमेशा मोहरी, प्रोडक्शन च हमेशा मोहरी, कुरबानी देण नूं पंजाब हमेशा मोहरी, ते इहदे इहो जिहा किते पंगा ना खड़ा हो जाए, जे इसे तरह की कोई इक अद्धी सट भी, मैनूं नहीं लगता इहदे नाल असीं उठ खड़ांगे, कई साल लग जाने हैं, 9,000 करोड़ इकोनोमी चो निकल जाना, 95,500 करोड़, बाजार ने भी डुबना है, किसान ने भी डुबना है, सारे सब ते असर होना है, ते एडी एडा वड्डा घाटा छेती नहीं है कापा पूरा होना। काफी तजर्बा भी आ, इस तो पहला भी तुहानू कदे याद आ कि एडा वड्डा घाटा पिया होवे या फिर ये पहली बारी हो रहा इदां? नहीं, एक बार कोई 10-12 साल पहला होया सी, श्रीवल्ड ग्रेन आया सी, पर उदो इन्ना नहीं सी जिन्ना ऐतकी होया, ऐतकी तो लोड़ा आ गया, ते उदों नाले भी मैनूं याद है, उदों इमीडिएटली सरकार ने राहत ऐलान कीती सी, सरकार फौरन आई सी किसान दी मदद वास्ते, अज तां ना सेंटर नूं फिक्र है ना पंजाब नूं फिक्र है, अज तां ऐ जिवें हरियाणे च साडे नूं वध नुकसान है, मेरे को उहदी फिगर्स नहीं, हरियाणा सरकार भी चुप करी बैठी है, उह भी नहीं बोलदे, ते ऐ हो गया जिवें पोलीटिकल लोक कहिंदे असीं तां राज करन लई जम्मे, कोई मरे कोई जीवे, मैं ना खान मरे कोई जीवे, सुथरा घोल पतासे पीवे, ये तो पतासे घोल घोल पीते ने, सैर करता फिरदा उत्ते देखदा उन्होंने ड्रामे जिहड़े ने आम आदमी पार्टी के स्कूल ते हॉस्पिटल देखता फिरदा, भी तेरी स्टेट ते उन्हूं किवें लागू करेगा, उहदे विच पैसा कित्थों लैएगा, दिल्ली का पंजाब का की मुकाबला है, दिल्ली इन्नी क स्टेट है, पंजाब विच 23-24 जिले में किन्ने तू कर देंगे, पैसा थोड़े को है नहीं, तेला भी तू उन्होंने को कर्जा मंगता फिर वो तेरे विरोधी ने, तो कुछ बैठ के प्लैन करो, थोड़े को जो रिसोर्स ने विद इन रिसोर्स, तुसी किवें प्लैन करके स्टेट नूं अगे लेके जाना, ये प्लैन करो,
ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਤੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 9,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਔਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 3,00,000+ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ DAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 150 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧਾ ਤਾ। ਇਕੱਲਾ DAP 'ਚ ਨਹੀਂ, NPK ਦਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਉ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 30-35 ਲੱਖ ਟਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਐਤਕੀ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਸਰਪਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਫਾਲਤੂ ਕਰ ਦਿਓ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓ, ਗਾਂਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੋਲੋਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਵਰਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ 1 ਸੱਟ ਮਾਰਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਫਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 70-80% ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 10-15-20 ਏਕੜ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ, ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਲਓ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨਾ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਹੈ 86%, 86% ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਮਰੀਏ, ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸੰਦ ਸੰਦੇੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੂਲਾ ਫੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਮੈਂ 20-30 ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੂ, ਵਾਇਬਲ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ
बच जाऊ, मेरा परिवार चलता रहू, अदरवाइज होर कोई काम ना आंदा, इना तजर्बा है। तो वो इस बार वो इन्नी बुरी तरह फस गया, मैं वो जे वो होर किसी पास इधर इधर उधर हथ पला भी मारू, मैनू लगता नहीं सरकार की मदद के बगैर पैरों से निकल होना उन्हें। उहदे लई सरकारी मदद बहुत जरूरी है, और सरकार जो कुछ कर दी है, इंडस्ट्री है, कुछ है, जिन्हें सैक्टर ने बचले ताने जो खेती बचू। तुसी जिक्र किया कि तुसी होम मिनिस्टर नूं भी प्रधानमंत्री नूं भी लैटर लिखिया, ट्विटर के ऊपर तुसी कोट किया, तां कि उस नूं लैके कुछ रिप्लाई या कुछ तुहानूं पॉजिटिव कोई रिस्पोंस आया होवे केंद्र सरकार वल्लों? इह मोदी है, बोलदा ही नहीं, जिहड़ी लोड़ आ उन्नी कु बोलदा, उदों गांह जांदा ही नहीं, मीडिया के सामने वह नहीं हुंदा, उहदे सवाल कौन करे, पुछे कौन भी तू कित्थों बोलदा है, कोई उहदी जमीर जागू तो है, पता नहीं है की होगा। वाहगुरु के हाथ आ गई गल, असि यह जे लोगों के बस पै गए जिन्होंने लोगों नालों अपनी कुर्सी का फिक्र ज्यादा, लोगों का फिक्र नहीं। दूसरे पास गल की राजवाल साहब की पंजाब सरकार दे नहीं दे सकती कुछ भी फंड, क्योंकि पहले ही हालत खासा दूसरे पास, पर एक गलत है कि पंजाब सरकार प्रबलता दे नाल जिवें भगवंत मान अच्छ स्कूल ते हॉस्पिटल देखण गए ने, तां उह डेलीगेशन लैके प्रधानमंत्री दे नाल, फाइनांस मिनिस्टर दे नाल, या फिर खेतीबाड़ी मंत्री नाल मुलाकात तां कर सकदे ने कि मुआवजा तो उह कहे जी साडे वर्गे सारे बंदे नूं इकट्ठे करके लै जावे उहदे कोल, पंजाब सारा उहदे कोल चला जाऊगा। प्रधानमंत्री इनीशिएटिव तां मुख्यमंत्री इनीशिएटिव तां लवे, लोकी आस रखते ने जिन्हों कहते हैं साढ़े बिचों गया साडा मुख्यमंत्री है, वह मुखरी मुख्यमंत्री थोड़ा जा दिखावे तो सही लोगों को भी मैं तेरी थोड़ी चिंता है, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, मूँह ही नहीं खोलता, वो साथी टिचर करते ने सानू, तो की करोगे, लोग तो फस गए बहुत बुरी तरह, ना पंजाब सरकार वाले कुछ झाकण, ना दिल्ली वाले झाकण, तो वाहगुरु मेहर करे। नहीं पर वो तो कह रहे हैं कि रंगला पंजाब बनाना, असी थोड़ा समा दो और सब कुछ हौली हौली ट्रैक ते लेके आ रहे हैं। शब्दावली घड़न के माहर ने पॉलिटिशियन, चाहे किसी पार्टी के हो, पहले एक पासे बिठा देंदे ने कुछ बंदे नूं भी वधिया वधिया शब्द सोहणे सोहणे लभ के दो, असी सिटी लोगों के लोग उस शब्द जाल के फस जाण, ये रंगला पंजाब रंगला कित्थे रहना है, उहदा रंग तो उड गया, 41,94,144 करोड़ थोड़ी इकोनमी चो निकल गया, रंग कित्थे रह गया, ये तो हुण कहिंदे हो ना जब चेहरे ते पलत्तण जी आ जांदी, तो पलत्तण भी नहीं, हुण तां कालस आ गई, इन्नी बुरी स्थिति च फस गया पंजाब, ते तुसीं देखो तो सही, इहदा आउण वाले दिनां विच हाल की होना, दुकानां ते कां बोलदे ने, उह वी रोणगे बेचारे बैठे, सारा पंजाब डुब गया, ये रंगला नहीं रहा हुण, रंग इहदे उड गए। रंग उड़ गया और बिजनेस क्योंकि इफेक्ट होंदा पंजाब दे विच खेतीबाड़ी दे नाले, क्योंकि जदों फसल बिकदी है किसान दी जेब च पैसे आउंदे ने तां ही मार्केटां दे विच जंप आउंदा, पर दूसरे पासे राज्यपाल साहब ये नुकसान तो हो गया, सेंटर गवर्नमेंट कदों जिवें तुसीं कहा कि एक्स ग्रेशिया ग्रांट दवे दिंदी है नहीं दिंदी बाद दी गल आ, पर अगली फसल दर ते खड़ी है, किवें देखदे हो किसानी दा भविख, किवें देखदे हो पंजाब दे विच आउण वाले दिनां दे विच, जिस तरीके दे नाल बिजली साडे कोल घाट आ और पीपीए जिहड़े समझौते किए हुए ने। नहीं मैं तो इस पंजाब की खेती की समस्या मैं समझदा बहुत बुरी कथा फसिया, एक एक गल ना करिए, जे असी टोटल इनू एज ए प्रोजेक्ट खेती देखिए ना, इन्नी बुरी तरह फस गया पंजाब का किसान, मैनू नहीं लगता जाल विचों एडा सौखा निकलिया जा सकता है। हुण मैं प्रधानमंत्री नूं इह भी लिखिया भी उन्हां दा तुसीं माफ कर दिंदे हो, साडा 10 साल फ्री ऑफ इंटरस्ट 10 सालां ते स्टैगर कर दिओ, तो साडा कर्जा असीं 10 सालां च मोड़ देंगे हौली हौली, जिहड़ा हुण खड़ा इह कर दिओ, इह तां कोई औखा कम्म नहीं है, इह तां कर सकदे ने, कोई बहुत वड्डी अमाउंट नहीं इनवॉल्व हुंदी इहदे विच। और दूसरी गल, असीं फसल बीजनी है, बिजली है नहीं, इह सरकार दा कम्म है बिजली सप्लाई करना, ते इह तों भी अगली गल इक बहुत वड्डी खड़ी हो रही है, तुहानूं शायद पता नहीं, परसों कैलीफोर्निया दे विच इक कंपनी बन गई जिन्हें इह कहा भई असीं दुनिया विच पानी का व्यापार करना है, और वह कहते ने 2025 तक 2/3 पॉपुलेशन दुनिया की पानी मुल लैके पीऊ, उहदा पानी तो बिना गुजारा नहीं होना, पानी उन्हें मिलना नहीं, 2/3 का मतलब 500 कुछ करोड़ लोग साढ़े पानी की कोई असी अज की कीमत ही नहीं समझते, तो साढ़े पानी का हाल की है, साढ़े ना तो साड़िया सरकार फिक्र है, वह कुछ होर ही कर लगे ने, दिल्ली आए डैम सेफ्टी एक्ट को पढ़ लो, वो तुहाडे डैम भी लै गए, तुहाडा पानी भी लै गए, तुहाडी बिजली ते सारा टोटल कंट्रोल उन्हां दे हाथ च है, उन्हूं चलाउण दा खर्चा जिहड़े मालक ने स्टेटां उन्हां दे हाथ च, उन्हूं पढ़ो, रिएक्ट ही नहीं करदी साडी पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार,
Why didn't you do this? क्यों नहीं बोले मुख्यमंत्री? उदे ते दो स्टेटा ने कहता जी असि दो स्टेटा के कहने ते कानून बना देने, भी नहीं पता बंगाल ने और केरला ने कहा भी है कि नहीं, इन्होंने एहोजा कानून बनाता, सारी मालकी आप लै गए एक तरह की, जेडे खर्चे ने पाते स्टेटा ते, पानी की बिजली बंडनी है उन्होंने बंडनी है, पानी बनना उन्होंने बनना, पानी की बंड च पहला बहुत साडे नाल धोखा हो चुका, पानी के मसले ते लड़ाई लड़नी पेगी। हुण नहीं गुजारा होना, मैं स्टडी कर रहा पानी के मसले, तुसीं मैनूं दसो जी रावी का पानी पाकिस्तान नूं क्यों जांदा, सानूं पंजाब ते हरियाणे नूं तां लड़ा दिंदे ने झट, ये पोलीटिकल लड़ाई बनाउंदे ने पोलीटिशियन, ये फैक्ट्स के उत्ते गल नहीं करदे। जिहड़ा इन्हां दीआं नलायकियां करके पानी वेस्ट हो रहा है वह नहीं लोगों के सामने लियाउंदे, रावी का पानी सारा पाकिस्तान नूं जा रहा है, उहदे मालक असीं हाँ, तो क्यों नहीं उन्होंने हुण संभालिया जी 70-75 साल जिहड़ा तुहाडे ब्यास ते सतलुज का उत्थे हैगा हरी के पत्तण उत्थे जिहड़ा डैम बने है उत्थे जिहड़ी लीकेज है 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी पाकिस्तान नूं मुफ्त जा रहा है। असीं इह दो ही कंट्रोल कर लईए, पंजाब हरियाणा दोवें नहा लैणगे पानी नाल, कोई पानी की लड़ाई नहीं रहनी। मैं बड़ी देर पहला बरनाला सरकार वेले उदों चीफ मिनिस्टर नूं कहा सी वी पानी का फिक्र करो, तुसी वाटर टेबल रीचार्ज करने वास्ते हर दरिया 10-10 किलोमीटर से चैक डैम बना दो, झील बन जाऊ 1-5 किलोमीटर च, उहदे नाल वाटर टेबल चार्ज होऊ। इन्होंने उल्टिया से नहरें पक्कियां करनियां शुरू करती, सीवेज खत्म हो जाए, तुहाडे कोल पानी पीण नूं है नहीं, हुण तुसी अखीरली लेयर च चले गए, उत्थों कई तरह के तत् फलोराइड वगैरह आउंदे ने तुहाडे पानी च, उहदे नाल बीमारियां नूं सद्दा दिंदे हो। पानी बहुत जरूरी है, पानी लाइफ लाइन है, पानी तो बिना खेती नहीं, पानी तो बिना मनुख नहीं। मैं एक दिन ये एक नेड़े दे साथी नूं भगवंत दे साथी नूं साडा भी हैगा मनजीत, उहनूं मैं कहा सी, मैं कहा तुसीं फस गए, मैं एक तरीका दसा इस संकट चो निकलण दा, भारत सरकार की स्कीम है, अपेडा वाले दिंदे ने, मैं कनैक्शन दवाए ने किसानां नूं, मैं कहा तुसीं साडे जिन्ने ट्यूबवैल ने इन्हां नूं सोलर ते कर दिओ, दो साल च उन्होंने बंट लो, अज पहला छोटी हॉर्स पावर हैगी दरियावां दे आले दुआले जिथे पानी का लैवल ठीक ठीक हैगा या नहरां दे आले दुआले उत्थे तुसीं पहला एकदम झटके नाल उहनूं सारे नूं सोलर ते कर दिओ, किसान नूं दिन वेले बिजली मिलण लग जू, रातां क्यों झाकू, वह भी खुश, ते तुहाडी 6000 करोड़ की सबसिडी बिजली की समस्या भी खत्म, थोड़ी 6000 करोड़ रुपया जिहड़ा बिजली की सबसिडी ते जांदा है वह बच रहो, 2 सालां च तुसीं उह बचाउण वल तुरो, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दा, वह भी खुश होणगे, ऑलरेडी साढ़े कोल उन्ना यूटिलाइज नहीं हो रहा जिन्ना पैसा आया है, तो पता नहीं कोई स्टडी नहीं करता, अफसर चला रहे ने, अफसर भी देखी जाते हैं ना, उन्होंने बना के रखी अफसरों नाल भी नहीं बने, आफ्टरऑल सरकारी मशीनरी है, उन्होंने काम करना, तुसी कुछ भी डिसाइड करोगे इंप्लीमेंट तो उन्होंने करना है ना, जे तुसी उन्होंने घुरकियां ही देई जाओ जाके MLA के मैं MLA साहब हूं, मैनू बिना पुछे तो जिहड़ा कीड़ी है वह भी सलूट मार के निकले, तो फिर तो नहीं काम चलना। धन्यवाद बलबीर सिंह राजेवाल जी, उन्होंने दस्या कि 9,9144 करोड़ रुपए का जिहड़ा घाटा इस बार वह अप्रोक्सीमेट जिहड़ा इस सीजन के विचों कणक के सीजन के विचों किसानों नूं प्योर इन्नी वड्डी अमाउंट का एक स्टेट के विचों निकल जाना जिहड़ा है वह कुदरती मार करके सही पर बहुत वड्डा घाटा और कई सालों तक इसकी भरपाई करनी मुश्किल होवेगी। कैमरामैन ललता प्रसाद के नाल पुलरजीत सिंह ABP सांझा चंडीगढ़।